दोस्तों, ये है माता पूजा का, भगवती माँ पूजा, जहाँ मैं रहता हूँ, जटनी खुर्दा का। ये माता पूजा जो है खासकर साउथ इंडियंस करते हैं। मैं जैसे कि आंध्रा, तेलंगाना, ये सब जगह होते हैं, तो साउथ इंडियंस जहाँ भी रहते हैं, ये सब ये पूजा करते हैं। ये खासकर मई जून में होता है, मैंने तो जून लास्ट 2 ईयर्स तो हुआ नहीं कोरोना के चलते, तो इस साल हुआ, तो मैं सोचा क्यों ना इसे अपने चैनल में डाले ताकि लोग भी सब देखे। हर किसी का रिवाज देखना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको डाला हूँ। देखिए, ये है मूर्ति भगवती माँ का। ये पूजा जो है 7 दिन का होता है, आज लास्ट डे है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे, ये सब विभिन्न वेश धारण किए हुए लोग हैं। पहले मेरा बचपन हम देखता था, ये सब बैलगाड़ी में चलता था, लेकिन आजकल तो मॉडर्नाइजेशन हो गया, टाटा एस ये सब में चल रहा है। अब देखिए, ये जो पूजा है, मैं बचपन से देख के आ रहा हूँ,
मैं जहाँ 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 गए वहाँ पर देखा हूँ, जैसे कि टाटा टाटा मैं इसको बोलते हैं कुमारम्मा पूजा, वैसे ही खड़गपुर में इसको बोलते हैं शोला पूर्णिमा, तो वैसे वैसे हर हर जगह इसका नाम है, अलग अलग नाम। देखिए ये काली का रूप धारण किया हुआ है, वैसे ही ये देखिए कुमारस्वामी अलग अलग रूप धारण सब किए हैं। ये बालाजी और अन्नमाचार्य जो तिरुपति का है बालाजी, देखिए अभी माँ को लेके जा रहे हैं। ये पहले 7 दिन पहले इनको लेके आते हैं मेन मंदिर से, जहाँ लोको कोल में उपस्थित है, वहाँ से लेके आते हैं 7 दिन पहले, फिर 7 दिन का बाद फिर वहीं लेके रख देते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं विसर्जन, लेकिन ये विसर्जन नहीं होता, फिर जाके माता का पास रख देते हैं जो जहाँ से लाया है। तो अभी ये सब निकल रहे हैं, निकल के फिर जहाँ से लाया तो वहीं पर इन्हें रख देंगे। दोस्तों भगवती माँ को लेके कॉलोनी पूरा घुमाते हैं, भक्तजन माता का पैर हल्दी पानी से धोते हैं, अपना मन्नत मांगते हैं। ये जो ट्रेडिशन है बहुत साल से चल रहा है, ये जो कल्चर और ट्रेडिशन चलना चाहिए, तो बड़ी खुशी की बात है कि अभी भी लोग मानते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए, कमेंट कीजिए। यदि आपका जहाँ रहते हैं आप वहाँ पर भी ऐसा पूजा होते तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।